I didn't wanna see you when you came home. Cause you always try to hurt me and that's so low. निशान हो रहे हैं इसके फाइट के। गाइस देखो हमको क्या दिखा पा रहा है। यहाँ का पूरा मैप है फोर्ट का। ठीक है, देखो पहला नंबर का गेट था, उस गेट का नाम है नौलक्का गेट। उस अच्छा। गेट को दूर से देखते हैं ना, सामने से पार्किंग में से तो वह गेट दिखाई नहीं देता। पहला गेट घुमाओ देखे बन रहा, पहले हाथी हाथी नीचे तो बाकी आएगा स्पीड में, तो हाथी घुमाओ लेगा तो हाथी का स्पीड कम हो जाएगा पावर, तो हाथी उस गेट को तोड़ा नहीं पता, इसलिए घुमाओ देखे बन रहा। उस गेट का नाम था नौलक्का गेट, पहला गेट का नाम। ये दूसरा नंबर का गेट है हाथी पॉलिस के साइड में मूर्ति दिख रही है ना आपको पत्थर की, राजा अमीर का एक मेन गद्दार था ना पर रणमल महावत हाथी चलाने वाला। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी आया था ना पर 1301 में, उसके साथ में मिल गया था गद्दार, गद्दारी गली थी, गद्दार ने चिटिंग जो राजा अमीर देव चौहान को बाद में पता लगा था। अमीर देव चौहान ने इस गद्दार के गर्दन काट के हाथ पर काट के नहर दिया था, इसको रणमल महावत गद्दार का हिस्सा जाना था, राजा का एक हाथी चलाता था इसलिए इस गद्दार का नाम हाथी पॉट रख दिया था। ये पत्थर कैसे बन गया फिर? ये बाद में पत्थर की बना के रख दी बाद में मूर्ति, गद्दार था मेन राजा का रणमल। अच्छा, महावत इसलिए हाथी चलाने वाला, सिटिंग कर ली थी इसने जो राजा ने गर्दन काट दी थी इसकी। दिखा रहा हूँ सैनिक। गाइज अभी हम लोगों ने गाइड भी किया यहाँ की जानकारी लेने के लिए, पूरी पूरी आज अपडेट देंगे यहाँ की रणथंभौर फोर्ट की जो भी होगी डिटेल, इसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। ये वॉच टावर है सामने वाला, दुश्मन देखने के लिए राजा का सैनिक लोग खड़े रहते थे ना, अपन दुश्मन देखते थे ये वाला ना वॉच टावर। अच्छा, ये तीन नंबर जो है टाइगर देखने आते हैं, सामने वाली है पदम लेक, इसके पीछे राज लेके, राज लेक के पीछे एक मलक ले गए। अच्छा, ये तीन लेके तीन नंबर जोन में आती है, तीनों लेके इसमें दिखता है ज्यादा टाइगर भी तीन नंबर में। तो गेट को देखने पे सामने गेट दिखाई नहीं देता, अभी आपको गेट दिखाई नहीं दे रहा होगा, गेट नजदीक जाते दिखाई देगा, गेट ऐसा घुमाओ देखे बन रहा है, पहले आते आते नीचे से भाग के जाएगा स्पीड में, तो घुमाओ लेगा आते तो आते का स्पीड कम हो जाएगा, और ऐसा पहले सीढ़ियाँ उनकी पहले नहीं रखता था बाद में, तो ऐसा घुमाओ लेता था तो स्पीड। ये मेन राजा था बाबू जी, इस किले का गेट सर फेल तो आने, इसने नींद रखी थी किले की 5000 टीम है, ये किला 1600 साल पुराना, उसका बेटा था राजा अमीर देव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी आ गया था ना पर 1301 में, उसने इस किले को जीत लिया था 2 साल से के 1303 में खिलजी चित्तौड़ में गया था, 2 साल दिया था 1301 में, पहला जोरित्री होया था वो रानी का पद्मावती का, चित्तौड़ वाली रानी थी पद्मावती, मतलब रानी थी पद्मावती रानी, अलग थी नाम एक ही था रानी, पहला जोड़ होया अभी जोर का क्या जोड़ जल्द हुआ जल जोर कब से नहीं कर रही है ये काम कब से कर रहे हमको तो अभी 4-5 साल पापा लास्ट गेट अंधेरी, इसका तीन नाम है अंधेरी गेट, गुप्त गेट, वेलकम गेट। वेलकम है सामने दिख रहा है ना एक पहाड़ी, उसको बोलते हैं जिस राजा अमीर देव चौहान ने चाहे कुछ देख के आता था एक रानी वेलकम। तो गाइस ये वाला वेलकम गेट है, राजा जब जीत के आता था ना तो ऊपर से रानी फूल बरसाती थी, वो आएगा ना जैसे फूल बरसाती। तो मंदिर जाने का रास्ता इधर का आने का, अरे एक गेट पहले यहाँ पर ऐसा बन रहा था, उस गेट को खोलते थे जिस तरह गेट था बंद हो जाता था, उस गेट को खोलेंगे तो एक गेट बंद हो जाएगा, तो नीचे तो सीधा दुश्मन आएगा भागते के लिए, एक खाई बन रही थी खड्डा, उस खाई को पत्ते से दो सौ ढाका जाता था, दुश्मन आता था सीधा खाई में गिर जाता था, अभी बंद कर दिया मेरे को पता है। आगे आ जाओ भाई, यहाँ से गरम पानी, गरम ऑयल, गरम तेल फेंका जाता है नीचे, शादी होती थी दुल्हन बारात आती थी इधर इधर सजाया जाता था, ये खंडर हो गया अभी पूरा म्यूजियम बन रहा है काम, ये वाला ना दुल्हन का, अभी तो मंदिर जाना बाकी है।
गाइड लेके जाएगा हमारे को मंदिर भी, पूजा भी वही करवाएगा। सामने वाला है रानी तालाब, डंडा का वो है पहले तो बड़े ये सामने चेंजिंग रूम था। और ये दरगाह जलाउद्दीन खिलजी ने चार दरगाह बनवाई थी इधर, एक दरगाह सामने वाली सरदुद्दीन बाबा के पास ही पहले नाम था, एक दरगाह भी गणेश मंदिर पाई की, दो दरगाह जंगल में मामा भाणजानी। ये सैनिक एनिंग मरे थे, खिलजी को उसको दफनाई थी, उनकी कब्रें बाहर सैनिक कब्रें चार है। अच्छा ये स्पेशल हो गए पर्सनल तो पर्सनल असिस्टेंट के सामने 32 खंबे की छतरी है। नापर राजा अमीर देव चौहान का पिताजी था जेतर सिंह चौहान राजा, वो 32 साल राज करके नापर मर गया था। उसके आदि में राजा अमीर देव चौहान उसका बेटा था। उसने सामने 32 खंबे की छतरी बनाई थी, इसमें 32 पिलर है खंबे, ये बीच में एक हवन कुंड था, इसके नीचे एक मंदिर भी है सूर्य का गुप्तेश्वर महादेव डबल जलधारा, सब दर्शन करना तो अभी कर सकते हैं डबल। आज राज में पहली बार देखेंगे। चलो चलो गाइस, गाइस ये तो थक गई, इतने समय थक जाती है बार बार। क्या हुआ अभी तो जितना है ना उतना ही ऊपर है तुझे। रुक जाना ये देखो कितना दूर है और सीढ़ियां कितनी छोटे छोटे राजा राजा जी के चत्ते से गेट है माता और फूट गया वहां पे। किसके मेरा? तो भाई देख तू गुस्सा मत कर यार, भाई भाई राजा तो नहीं आता, तू जा सकता है तो गुस्सा मत कर। लेके सामने वाला अमीर महल ये वाला, इसमें राजा की तो बंदूक तलवार वगैरह रखी है, उसका महल है, अंदर से भी बंद पड़ा, म्यूजियम बन रहा, अगली साल खुलेगा, इसका काम चल रहा अभी। ये राजा रानी का एक गार्डन था, अमीर गार्डन ये वाला। अस्तबल है राजा का, यहाँ पे हाथी घोड़े उनके सब बनते थे। ये भी अभी म्यूजियम में, इसका भी काम चल रहा है पूरा। कितने मस्त लगते होंगे जब यहाँ बनते होंगे। है क्या कह रहा है तू, यहाँ भी डीजे की बातें कर रहा है क्या? तेरा 12 इंच का स्क्रीन गुप्त रास्ता। ये राजा अमीर का मेन पैलेस है, अमीर महल, इसमें जाने का रास्ता है गुप्त रास्ता ये वाला। अभी इस रास्ते को बंद कर दिया, सीधा निकल जाता था महल में, गुप्त रास्ता, गुप्त सुरंग महल में। इसमें क्या होगा, महल में निकलने का सीधा अमीर महल में। अच्छा सीधा सीधा चल जाओ, सीधा इधर से आ जाओ, पीछे का पीछे गुप्त रास्ता गया था ना 1301 में, खिलजी ने इसके लिए को जीतने के बाद में यहाँ पर एक झंडी ले रहा दी थी। काली रानी पद्मावती में पार्स पत्थर जादू था, उस पार्स पत्थर को लोहे का टच करता एक गुना बन जाता था, उसको लेके स्कूल में आग जली रहती थी। आग में 700-800 रानी थी, सैनिक उनकी प्रजान की भी सब मिलके इधर जल गई थी, जोर कर लिया था। तो पहले इसमें हुआ था, पहला जोर हुआ था 1301 में, 1303 में हुआ था, उसको लेके जली थी। इसमें पड़ाव कितनी खुदाई होगी, काली बड़ी जो देख रही हो ट्यूबवेल उनकी जस्ट। अब यार वहाँ पता नहीं यार कहाँ पड़ा, क्या हो जाएगा। उसके नीचे एक नाला है, दो नंबर जो ड्राइवर देखने आते हैं सफारी, उस नाले को बोलते हैं खाई को, उधर तीन नंबर जो है एक ही पदम ले बोलते हैं। क्या कह रहा था तू, बोल क्या कह रहा था, कही कह रहा तू, ये बता पहले। शिव जी का और अन्नपूर्णा माता का मंदिर है दोनों का। कितने मंदिर है यहाँ पे भैया? 25 मेन मंदिर गणेश जी महाराज का, छोटे अच्छा। छोटे मंदिर छोटे मोटे मिला के 25 मंदिर है यहाँ पे। मेन तो यही अपने गणेश जी वाला, सात पहाड़ियों के बीच में ना किला, सात पहाड़ी एक दरगाह उधर की, अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह सामने वाली है। ये तीन सैनिक मरे थे, उनको दफनाए थे, उनकी कब्रें दो दरगाह जंगल में, उधर मामा बांध रहा है। और ये सामने वाला है वॉच टावर, दुश्मन देखने के लिए सैनिक खड़े हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोगों ने ले लिया पूजा, अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा मंदिर में, अभी हम आपको भी कराएंगे दर्शन। मस्त चला
इधर एक गुप्तगंगा है, उसमें गुफा है। अच्छा उधर आगे था, अंदर जाके है गुफा में अंदर। अच्छा उसका गंगा का नाम क्या को दिया? गुप्तगंगा है। पानी होता है उसमें हमेशा ही? पानी भरा रहता हमेशा इसमें, गर्मी में कभी सूखती कोने में भरा रहता। अच्छा अच्छा, गुप्तगंगा। हम लोगों ने पूजा तो कर ली अच्छे से है ना, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापिस बाहर की तरफ, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे कोटा। बाकी हमारे दर्शन तो हो चुके हैं ना, हमने एक और नया गाइड पकड़ा है, अभी दिखाएंगे वो आगे। बाकी हमारे दर्शन तो हो चुके अच्छे से, मजा आया दर्शन करके। क्या डिस्कशन चल रहा है गाइस? अभी भैया के बाद ये कमान संभालेगा ये नया गाइड, ये पूरा लेना है। चक्कर के 300-400 का नंबर बता, जो भी आएगा तेरे पे कांटेक्ट करेगा। अब यही संभालेगा पूरी कमान यहाँ की। नंबर लिख लो गाइस, 9571446689। डीजे का काम छोड़ देगा पहले, बता। डीजे का काम छोड़ दे, स्टार्ट कर दे। और अलग अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था तू, मैं 12 इंच लेके ऊपर आऊंगा। बड़ा किया क्या बेटा? नहीं देगा नया गाइड, प्रवाद दिया। हां तो ये अंदर आप चौथा नंबर मेरा ही लगेगा इधर। उसके बाद मैं ही आऊंगा, मैं कमाई करूंगा, फाफड़े अभी से उसको मारेंगे। उसकी कमाई खा गया है, डीजे काम तो छोड़ ही दिया। एक जगह नहीं टिक सकते। हाँ हम लोग जा रहे हैं अब आगे, एक माता जी का मंदिर है वो भी आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में। राज और सब आगे के, हम पीछे चल रहे हैं आराम से अक्कू के चक्कर में। ये वो मंदिर, सिद्धिपीठ माँ काली माता मंदिर। कितना किलोमीटर का ट्रैकिंग होगा पूरा, जो अपन ऊपर से नीचे तक है? ऊपर तक 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर वो भी इस पे पहाड़ पे। ठीक है भाई, 4 किलोमीटर करना आपको भी। आपका जैन मंदिर, ये वाला मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का, विष्णु भगवान का। 25 मंदिर में से 2-4 मंदिर तो देख ही होंगे अपन ने। बादल घोड़ा रहता था राजा, बादल घोड़ा घोड़े के लिए ये महल बनाया था, बादल महल। मतलब ये मान लो राजा की पर्सनल फरारी या मर्सिडीज। एसी रूम क्या भैया? अभी भी स्मेल आ रही है उसकी घोड़े की। अच्छा आ जाओ गाइस, एसी रूम दिखाते हैं। इसमें एसी रूम था घोड़े के लिए था या फिर किसके लिए था? घोड़े के लिए। ये डांसिंग रूम है गाइस रानी का, डांसिंग रूम है। एसी रूम इसमें यहाँ पर ज्यादा डांस डांस होता था यहाँ पे। ये गर्मी में ठंडा रहता है क्यों? ऐसे हवा तेज है क्या हो गया? हम तो मंदिर पे आए थे, मेले में कैसे आ गए? मंदिर से मेले में कैसे कन्वर्ट हो गए?
राजा अमृतदेव चौहान निचर को जीत के आया था। राजा अमृतदेव चौहान ने भगवान शिवजी से शक्ति मांगी थी। भगवान शिवजी मेरे घोड़े को मेरे को ऐसी शक्ति था, मेरा घोड़ा सीधा नोरचंद की रानी को बचा सके। राजा का पालन घोड़ा सीधा नोरचंद की रानी को जोर बनकर पहुंचा था। इतराम रानी ने ना पर जोर कर लिया था, पहला जोर हो गया था। दिखा दो एक बार प्रिंटिंग घोड़ा देख लो गाइस, यहाँ से चढ़ा था पूरा घोड़ा ऊपर खड़ी चढ़ाई। हाँ गाइस, फाइनली हम लोगों ने ये वाला ब्लॉग भी कंप्लीट कर लिया, पूरी ट्रैकिंग कर ली हम लोगों ने। बहुत सारा मज़ा आने वाला है इस वाले ब्लॉग में, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जो शायद आपको पता भी होगी और शायद नहीं भी होगी। जिन लोगों को नहीं पता होगी वो लोग तो गेन कर ही लेना। तो थैंक यू, ये वाली सीरीज हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं और बहुत सारा मज़ा आया हम लोगों को इस वाली सीरीज में। तो बाय, लव यू, टेक केयर, और हम अनकु ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें आपको? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।